सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि किसी को भी, अखिलेश यादव भी अगर ना कहते डीएनए की बात, कह देते कि सजा दीजिए, फांसी दीजिए, घर तोड़िए, जो करना है कीजिए, और ऐसी सजा दीजिए कि आगे से कोई सोच ना सके, सुरेंद्र जी? सईद भाई, हर इंसान यही कह रहा है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये नहीं कह रहा है, और जो नहीं कह रहा है वो इंसान नहीं, पशु है। हर आदमी जो भी अगर इस पीड़िता के लिए न्याय नहीं मांग रहा है वो इंसान नहीं है, पशु है, वो जानवर है, बहुत साफ सी बात है, नंबर एक। नंबर दो, राजनीति कर कौन रहा है और राजनीति को प्रश्रय कौन दे रहा है? मुझे माफ करना आप, मैं बहुत कम आपसे असहमत होता हूं, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमति के साथ, आपके भावनाओं के साथ में, लेकिन आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उनके सहयोगी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी का नाम बीच में ला रहे हैं, राहुल गांधी जी का नाम बीच में ला रहे हैं, जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष का नाम बीच में ला रहे हैं, ये राजनीति नहीं तो ये क्या है? जब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी करे, अपराधी अपराधी गोली मार दो, अपराधी अपराधी कानून सम्मत सजा दे दो, उठाओ उनको जो कुछ करना है करो, आप कह रहे हो समाजवादी पार्टी के, आप कह रहे हो फलाने के, मैं जब कहता हूं प्रत्युत्तर में कि यहां पर वो क्या नाम भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, तो मेरे को कह दिया जाता है राजनीति। सच बात यह है सईद भाई जी, कि बात बात करिए बराबर की, सुनिए नहीं। और रही बात राजनीति, तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जमात कर रही है इस केस को लेकर के, जिस जिस आदमी ने क्या नाम प्रियंका जी का नाम लिया, राहुल जी का नाम लिया, मुख्तार अंसारी का नाम लिया, अशोक क्या क्या और बाकी जो भी ये लोग थे, उमेश पाल का, फलाने का, अतीक का, राजनीति कर रहे हैं वो लोग, उनको नहीं रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि फांसी दीजिए जो भी हत्यारे हैं, जो भी अपराधी हैं, और जिस जिस केस के भी अपराधी हैं, स्पष्ट रूप से मैं बिल्कुल भी किसी अपराधी के पक्ष में नहीं हूं, और भाजपा के अपराधियों का नाम लेकर के मैं इन अपराधियों को नहीं बचाना चाहता, स्पष्ट रूप से। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर कुत्सित, नीच, निर्लज और राजनीति करते हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीति का जवाब फिर सब लोगों को देना मजबूरी फंस जाती है। हम तो कहते हैं उसको फांसी दीजिए, बिल्कुल अच्छा किया अशोक गहलोत साहब ने, 7 दिन के अंदर कर दिया था केस खत्म, आज आप भी 7 दिन में कर दीजिए, कौन रोक रहा है भाई? लेकिन जो आप व्यवस्था कीजिए वो व्यवस्था पारदर्शी हो, अच्छे तरीके से हो, बगैर द्वेष के, भय के, हिंदू मुसलमान के, बगैर किसी विभ्रम के हो, वो बिल्कुल करिए आप। शलभ जी, सर मेरे को तो समाप्त आप करा ही लेंगे सर, मैं तो हम तो समाप्त पहले से हैं। नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं मैं प्लीज, मैं आपको, हम तो 44 थे, 54 थे, अब 99 हो गए सर, कोई बात नहीं, अपन उसमें फिर बात कर लेंगे, आपको रोकना नहीं चाहता। मैं माफी चाहता हूँ सईद भाई, आपने बीच में नहीं टोका शलभ जी को, जब प्रियंका गांधी का नाम उन्होंने लिया, जब उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया, जब उन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, बताइए आपने, जब आपने कहा मुझसे अयोध्या पर बात कीजिए, मैंने कहीं और बात की हो तो ठीक, इन्होंने अयोध्या के अलावा सब जगह बात करी, ठीक, क्यों? क्योंकि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग वल्चर कल्चर, सुरेंद्र जी समय समय गिद्ध हैं, सुरेंद्र जी, ये लोग महिला के साथ न्याय नहीं चाहते हैं, ये लोग अन्याय चाहते हैं, ठीक है सुरेंद्र जी, समय कम है। शलभ जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, आप थोड़ा देर से भी जुड़े और समय आपको आज कम मिल पाया, निवेदन यह है कि 1-1.5 मिनट में समाप्त कर दीजिएगा, क्योंकि शो हमारा खत्म हो रहा है, और मैं समाप्ति भी शुरुआत डॉक्टर विक्रम सिंह से की थी, समाप्ति भी उनसे करना चाहूंगा। शलभ भाई, आपको लगता है कि ठीक है हम ना करें कि समाजवादी, कांग्रेस और प्रियंका क्या कहती हैं, कांग्रेस राहुल गांधी क्या कहते हैं, खड़गे स्टेटमेंट देते हैं या नहीं देते हैं, देश के लोग बहुत समझदार हैं, वो सब समझ रहे हैं, आप सख्त सजा देते हैं, आप बुलडोजर चलाते हैं, आपकी तारीफ होती है, आप फांसी लगा देंगे, आपकी और तारीफ होगी, आपकी सरकार की तारीफ होगी, क्यों हिंदू मुसलमान किया जाए? शलभ जी, देखिए राजनीति और हिंदू मुसलमान दो शब्द आए आपके डिबेट में, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत पवित्र भावना के साथ से डिबेट शुरू की। कांग्रेस के जो हमारे साथी सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने मुझसे पहले बोला, मैं उनके बाद मुझे बोलने का मौका मिला, तो राजनीति कौन कर रहा है, ये शब्द बार बार राजनीति शब्द क्यों आया इस डिबेट में, जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके खिलाफ ये होनी चाहिए, उनकी निंदा करते हैं, हमने तो बोला ही नहीं था, विक्रम सिंह साहब इंडिपेंडेंट है, बाकी जो लोग बैठे हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल चुके थे और डिबेट में आपके साथ उनकी बातचीत हो रही थी, तो बार बार राजनीति शब्द, राजनीति शब्द, राजनीति, बार बार हिंदू मुसलमान कौन लेकर आया, इनके मन के भीतर ये शब्द पैबस्त है, और इसलिए फिर कहता हूं कि लड़की हूं लड़ सकती वाली मुंह छुपाने के कुबरा है प्रियंका वाड्रा, अभी तक एक बयान नहीं फूटा, क्योंकि आरोपी मोहित खान है,
राहुल गांधी जो कि न्याय की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, अभी तक एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि जो बलात्कारी है उसका नाम मोहित खा है। और देखिए इनका चरित्र देखिए किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति सवाल उठा रहा है, जो 12 साल की बच्ची से डीएनए की मांग कर रहे हैं, उनपे एक शब्द नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं, कहते कार्रवाई कर दो। अरे कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप जरा अपनी आत्मा से पूछिए कि 12 साल की एक बेटी, एक पिछड़े समाज से आने वाली गरीब परिवार की बेटी जो प्रेग्नेंट हो जाती है बलात्कार के बाद, आप डीएनए टेस्ट की मांग करके आप क्या मुंह लेके अपने घर जाएंगे? आपके परिवार के लोग क्या मुंह लेके आपसे पूछेंगे? और इनके सांसद अवधेश प्रसाद, अभी स्टेटमेंट आया सही भाई, आप बताकर देखिए, अवधेश प्रसाद का कहना है कि किसी बेगुनाह को ना फंसाया जाए। इस पर सवाल उठा रहे हैं, कहते हैं किसी बेगुनाह को ना फंसाया जाए, किसी इनोसेंट के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। शलभ जी, आपको रोकना नहीं चाह रहा हूँ, समाप्त कर दीजिए, क्योंकि वो अच्छा अवधेश प्रसाद वाला आप देर से जुड़े, वो बयान हमने दिखा दिया था कि बेगुनाह ना फंसे। विक्रम सर, प्रश्न तो मेरे पास है नहीं, लेकिन अनिल दुबे जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि ऐसे मुद्दे पर हम डिबेट भी कैसे कर सकते हैं, हम खबर भी कैसे दिखा सकते हैं। अनिल जी, आप ठीक कह रहे हैं, खबर तो दिखानी पड़ेगी, डिबेट भले ही ना करें, वो आपकी बात से मैं सहमत हूं। विक्रम सर, चलते चलते क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि अनिल दुबे साहब की बातों को नमन सलाम उनको, लेकिन जिस किसी का भी बलात्कार हुआ है, मेरी बेटी है, हम सबकी बेटी है, समाज की बेटी है। सारी पीड़ा अगर हमारे अंदर नहीं है तो वास्तव में हमको बहुत कुछ सीखना बाकी है।